ग्रीटिंग एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश वर्ल्ड एंड मोटिवेशन में। आज मैं आपको एक मोटिवेशन जो है वीडियो में इस मोटिवेशन वीडियो में आपको जो है मोटिवेशन जो थिंग्स कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि जो स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ये स्टूडेंट के लिए खासकर है, वैसे तो हर किसी के लिए है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं खासकर मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि वो जीवन में जो है कुछ और अच्छा कर पाए। तो देखिए, बात करते हैं हम उसके स्टूडेंट के बर्थ टू उसके करियर तक की बात। बर्थ टू करियर, जब उसका बर्थ होता है तो वो बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके बाद जो उसका लाइफ प्रोसेस होता है, स्कूल में फिर एडमिशन लेता है, फिर वो स्टडी करता है। तो ये सारी बातें जो है उसके करियर तक की बातें और कैसे उसका जो करियर आगे बनता है वो बातें आप कैसे बिल्ड होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आपके लिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपके लाइफ चेंजिंग जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करोगे। आपको मैं अवेयर करना चाहूंगा कि आपको जो कुछ चीजों से के बारे में जो स्टूडेंट अवेयर नहीं है तो वो अवेयर कैसे होंगे, तो उनके बारे में मैं जो है आपको कुछ यहाँ पे टिप्स बताऊंगा जिससे जो है आप अपने लाइफ में सक्सेस होगा। ये बात करते हैं, अब मैं बात करते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। मान लो बात करते हैं बच्चे की, जैसे उसका बर्थ होता है, मान लो बच्चे का, ठीक है, बर्थ के बाद जैसे बच्चा 2 साल का या जैसे 2 से 3 साल में अपना स्कूल में उसको नर्सरी में एडमिशन दिला देते हैं बच्चे को, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर वो फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, ऐसे करता करता बच्चा चला जाता है। और ये उम्र मान लो बच्चे की जो होती है, फिर मान लो उसकी सेकंड जो होती है एज, वो उसकी फिर आ जाती है किशोर अवस्था, जिसको हम एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है, एडोलसेंस। तो उसकी जो एडोलसेंस की जो उम्र है उसके मान लो ये लगाते हैं हम उसकी 13 से 15 या 17 तक मान लेते हैं उसको, ठीक है। ये एडोलसेंस होती है 13, 14, 15, 16, 17 तक एडोलसेंस में आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चे का जो करियर होता है वो उसके ऊपर आधारित होता है, वो कितना समझ पाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो वो उसके बाद वो बच्चे उसकी उम्र जो जाती है 18 से फिर 25 तक की एज उसकी आती है। तो ये जो एजेस हैं, इसके जो फैक्टर हैं, मैं इनके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा और कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं स्टार्टिंग की उम्र की, इस उम्र को हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहां से यहां तक तो बच्चे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अपने करियर के बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं पता। फिर जब बच्चा होता है 13 से, यानी उसकी उम्र जो होती है, यानी 8 से लेके वो बच्चा 12 तक की मैं बात करता हूँ, 8 क्लास से 12 क्लास तक। अब इस एज में जो बच्चा है वो कुछ मैच्योर हो जाता है, जो पहली एज है नर्सरी से, मान लो मैं यहाँ पे करूँ, मान लो उसको नर्सरी टू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नर्सरी टू 7th क्लास, तो वहां पे बच्चे को इतना मैच्योरिटी आती ही नहीं, उसके अंदर पता ही नहीं होता, बेचारे को मासूम सा होता है, बिल्कुल मासूम सा है ना। कई बार वो टीचर से, मान लो टीचर से बहस होती है ना उसकी, मान लो कोई टीचर उसको ज्यादा पीटता है, ठीक है, पिटाई कर देते हैं खासकर, हालांकि सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी अपने बेस पे टीचर कर देते हैं पिटाई उसकी, और पेरेंट्स भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि पेरेंट्स भी समझते हैं कि जब तक प्रेशर नहीं होगा तो बच्चा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं उसको सही मानता हूँ, थोड़ा बहुत प्रेशर तो बच्चे पे देना पड़ेगा ताकि बच्चा काम करे। तो उसमें मासूम कैसे होता है बच्चा, मासूम तो ये भी होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, कैसे, कि मान लो कोई टीचर उसको थोड़ा ज्यादा पीटता है, ठीक है, तू क्या कहता है, इस टीचर का मैं काम नहीं करूंगा, इसका तो मैं काम करूंगा ही नहीं। सोच के देखिए कितना मासूम हो बच्चा, मतलब टीचर का काम नहीं है बच्चों को, आपका अपना काम है। आप ये मत माने कि टीचर का काम है, बेटा आपका अपना काम है, आप अपने लिए काम करते हैं ना कि टीचर के लिए। टीचर तो एक जरिया है, आपको बताएगा, वो एज ए पेरेंट्स, एज ए गाइड जो आपको पढ़ा रहा है। तो बात आती है यहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो बड़े मासूम होते हैं, इस उम्र में थोड़ी मासूमता कम हो जाती है उनकी, वो थोड़ा और स्मार्ट बनने लगता है बच्चा। तो इसमें अब देखो, ये जो एज है ना, जो एडोलसेंस की जो एज है, ये सब की मेन है, इसी के ऊपर आधारित आपका अगला जो है लाइफ रहेगा इसके ऊपर। अगर बच्चों आपने 8 से लेकर 12 तक अगर ये जीवन बेटा बर्बाद कर दिया, तो आपके जो ये जो थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने इस एडोलसेंस को अगर खराब कर दिया, जो सेकंड पार्ट हमारी लाइफ का, तो ये बेटा आपका जो थर्ड और जो फोर्थ पार्ट हमारी लाइफ का ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है 8 क्लास से 12 क्लास तक फिर वो पढ़ता है,
ठीक है, पढ़ता है, उसको फिर मैच्योरिटी, वो कुछ उसका बेस बनना होता है, क्योंकि ये बेस एज है उस बच्चे की, एक बेस एज है। वैसे बेस ये भी है, लेकिन कई बार बच्चा समझ नहीं पाता, तो हम मान लेते हैं चलो भी बच्चा 8th 9th में जाए कुछ मैच्योर हो जाता है, अगर यहाँ बच्चा समझ जाए तो बच्चे की जो ये पूरी जो लाइफ है ये उसकी बन जाए। यानी अगर मैं इसमें कंसाइज में बात करूं तो बच्चा 18 से 25 तक जो उसके फिर कैरियर क्लास है, तो एक एजुकेशन क्लास में आता है, बच्चा इसमें बेटर करेगा, ठीक है, तो उसका ये बेटर होगा। चलो एक बात मैं मान लेता हूं, मान लो बच्चे ने यहां भी बेटर नहीं किया, नॉर्मल चलता रहा, मैं मान लेता हूं एक बात मान लो, हालांकि बच्चे को समझ, अगर ये समझ जाती है कैरियर उसका जो नेक्स्ट पार्ट ये आसान हो जाता, तो मान लो बच्चा यहां नहीं समझा, ठीक है, बच्चा अब यहां भी नहीं समझा, तो बच्चा फिर 18 साल के बाद 1825 भी कर लेगा वो, पहली बात तो यहां उसको मैच्योरिटी आनी चाहिए, क्योंकि तब उसका करियर होगा, क्योंकि अगर मैं 12th, क्योंकि यहां के बाद जो 11th 10th करेगा, 5th 10th के बाद उसकी आर्ट लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिर जो है ऐसे अलग अलग उसकी जो है पार्ट हो जाती है उसकी लाइफ की, स्ट्रीम हो जाती है अलग अलग, वो कौन सा चूज करेगा, फिर वो आप जो भी चूज करते हैं उसमें आप बेस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे बेस्ट करेंगे तो आपका अगला जो पार्ट है वो आपका बढ़िया बनेगा। तो सीधी सी बात है कि बच्चा 18 से 25 तक अगर वो मेहनत नहीं करेगा, उसके करियर का समय आता है उसके करियर का, अगर 18 से 25 वो मेहनत नहीं करता, ये तो डेडलाइन है, यहां तक मान लो 12th तक भी चलो बच्चा 60-70% मान लो, मैं मान लेता हूँ बच्चे के 60-70-80 ये तो ठीक रेंज आ जाती है, यहां तक भी एवरेज में बच्चा कर लेता है, एवरेज बच्चा नहीं मान लो चलो ठीक ठाक सा बच्चा 60 आ गया, ठीक ठाक एवरेज मान लेते आजकल, 70 आगे थोड़ा और मतलब ठीक हो गया, 80 भी चलो अच्छा है, फिर 80+ पर फिर और बैटर होगा, टॉप 10 में आ जाते हैं बच्चे। तो कैरियर की बात करें तो अगर आपने यहां नहीं किया तो जो 18 से जो 25 का जो आपका रहेगा इसमें फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी, अगर आपने यहां अगर काम नहीं किया, कैरियर अगर बर्बाद हो गया तो आपका जो अगला जीवन है, ठीक है, 18 से 25 तक बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है जॉब के लिए, कैरियर के लिए तैयारी करता है, अगर वो नहीं करेगा तो आपका जीवन जो नेक्स्ट है वो बर्बाद हो जाएगा, आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी, फैक्ट्रियों में घूमोगे, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 की जॉब करोगे, लेकिन आगे आपका जो लाइफ है बर्बाद हो जाएगी। 30 तक भी बड़ा मुश्किल है आजकल की बात करें तो 10 से 15 तक सिमट के रह जाती है, 18 हो जाती है, इससे ऊपर नहीं हो पाएगा, फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी, और आपका पूरा जीवन, आप देखो जो बच्चा इस उम्र में मजे करता है, जो बच्चा इस उम्र में मजे करेगा उसका सारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आगे जो उसकी 4th स्टेज उसकी, फिर जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है उसकी, बच्चे हो जाते हैं, तो उसको पूरी जिंदगी फिर उसको गरीबी में काटनी पड़ेगी, गरीब ही रहेगा वो, उसको क्योंकि वो 15-20 हजार रुपए कमाएगा, 15-20 हजार में उसका गुजारा नहीं होगा, केवल हैंड टू माउथ रहेगा, वो केवल अपना गुजारा चलाएगा, वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, अच्छे वो रहन सहन नहीं कर सकता, अच्छी फैसिलिटी ले नहीं सकता लाइफ में, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे मजे ले लिए हैं। तो इस उम्र में यानी 18 से 25 वाले जो मेन फैक्ट है, इसमें अगर आपने मजे ले लिए तो आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपके जो सपने हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो बच्चों आप पहले तो अपने जो सेकंड पार्ट एडोलेसेंस की जो 8th to 12th है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, बहुत ज्यादा मेहनत करिए, बाई चांस अब यहां से अगर आप 11th 12th में हो, अगर आप अभी समझ नहीं पाए हो, तो नेक्स्ट अब जितना भी आपके पास समय बचा है, जो भी आपके पास बचा समय, 2 महीने 4 महीने मान लो, अभी मैं बात कर दिसंबर चला हुआ है, आपके पेपर नजदीक है, फरवरी में एग्जाम होते हैं 12th के, अगर आप अब भी नहीं संभले हो तो प्लीज आप संभल जाइए, आपका अगला जो लाइफ है वो उसको आप बचा लीजिए अगले स्टेप, अदरवाइज आप बर्बाद होने वाले। तो इसलिए 8th to 12th आप बहुत बढ़िया तरह से तैयारी कीजिए, अगर फिर भी आपका समय निकल गया, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर क्या करें, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 12th पास भी कर लिए है, शायद वो मेरी वीडियो को अब देख रहे हैं, उनके सामने वीडियो आ गई है, तो आप प्लीज नेक्स्ट को जो है खराब ना करें। अगर आप यहाँ देखिए स्टेप है जीवन की, यहाँ नहीं संभला तो यहाँ समझ जाए, यहाँ नहीं संभला तो यहाँ, ये तो भाई डेडलाइन है, डेडलाइन जिसको बोलते हैं 18 से 25, तो ये बिल्कुल डेडलाइन है, डेडलाइन। अगर यहाँ बच्चा नहीं संभलेगा तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज का जो समय है वो गवर्नमेंट जॉब का बहुत कम है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सारा का सारा, निजीकरण जिसको बोलते हैं वो कर रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए, और प्राइवेट में वही कामयाब होगा जिसके पास टैलेंट होगा, वो टैलेंट कब होगा बच्चों, टैलेंट तब होगा जब आप एजुकेशन में
बेस्ट होगी। आपको कोई ऊपर उठाने कोई साधन नहीं, सिर्फ एक एजुकेशन ऐसा साधन है जिसके जरिए आप ऊंचा हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भीमराव अंबेडकर, जिसको बीआर अंबेडकर बोलते हैं, बीआर अंबेडकर क्या थे, वो संविधान के उसको पिता कहा जाता है, संविधान के निर्माता कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए वो एससी कास्ट थे, कास्ट क्या थी, एससी। और उन दिनों की बात है जब एससी लोगों को तो बिल्कुल एक अछूत मानते थे। उस समय पर उस बंदे ने एजुकेशन ली और एजुकेशन के बल पे उस बंदे ने संविधान का निर्माण किया, उस कमेटी में गया, संविधान को बनाया, ठीक है, उसने उसमें अपना पूरा पार्टिसिपेट किया, पूरी कमेटी थी और उसके वो हेड थे। वो ऐसा कैसे हुआ, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान जो बनाया गया वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जैसे एजुकेटेड लोग कुछ ही चुनिंदा लोग थे, उन्होंने इतनी एजुकेशन ली कि वो उससे ऊपर उठ गए। कैसे उठे, किसके बेस पे उठे, वो सिर्फ वो उठे एजुकेशन के बेस पे। तो बच्चों अपने जीवन को ऊपर उठाओ, अगर आपको जीवन में बढ़ना सिवाय आपके एजुकेशन के, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे आप ऊपर उठ सकते हो। वो आप कई बार बिजनेस में, तो बिजनेस में कामयाब होगे, वो भी तब कामयाब होगे बेटा जब आपको नॉलेज होगा, जब आपको एजुकेशन होगी। और नॉलेज कहां से आएगा, एजुकेशन से। तो भाग घूम के वहीं पे आ जाती है बात कि एजुकेशन लीजिए आप बहुत बढ़िया तरह से, ताकि आपका जीवन अच्छा चले। अब देखिए अगर आपका जीवन अच्छा, करियर अगर अच्छा होगा, अच्छी जॉब मिलेगी आपको, या बिजनेस करोगे तो अच्छा टॉप का बिजनेस चलाए, क्यों, आपने एजुकेशन ली है। उसके बाद आपकी शादी होगी, अच्छे परिवार में शादी होगी, ठीक है, आपको अच्छी गाड़ियां मिलेंगी, सब कुछ। मतलब मेन रूप से मैं ये नहीं कहूंगा कि डोरी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं एक अच्छा करियर की बात कर रहा हूं। आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छी गाड़ियों में घूमोगे, ठीक है, आपका स्टेटस समाज में स्टेटस होगा, ठीक है, आपका पूरा लाइफ हर चीज की सुविधा होगी, आपके परिवार में समाज में जो स्टेटस होगा आपका वो बहुत बड़ा होगा। और फिर आपका जो नेक्स्ट लाइफ जो चलता है आपका, वो जो आपकी उम्र जो चलती है, मान लो हम बोलते हैं जो मिडिल एज आ जाती है, फिर ओल्ड एज आ जाती है, वो सारा सिक्योर हो जाएगा आपका। अदरवाइज आपकी जो मिडिल एज है, आपके बच्चों की जो है एजुकेशन, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सारी बात आती है 18 से 25 के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, जो कि मैंने जिसको डेडलाइन घोषित किया है। अगर इस उम्र में भी आप नहीं संभले तो आप जीवन में कभी संभल नहीं पाओगे, आप कभी उभर नहीं पाओगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि जो वीडियो मैंने आपको समझाई है, इसमें आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि जो है मैं नेक्स्ट वीडियो किस स्टेप पे बनाऊं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।